गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना, मैं आपके खाने के लिए अभी कुछ लेकर आती हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। नहीं बेटी, बाहर मौसम बहुत खराब है, बहुत बारिश है, आप ऐसी बारिश में उड़ नहीं सकोगी। मम्मा, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं सब कर सकती हूँ। मम्मा है ना, मम्मा जब तक है तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए भोजन लेने चली जाती है। अगर मैं तुम्हारे लिए शिकार लेके आऊँ तो मुझे क्या मिलेगा चील दीदी? मैं तुम्हें दाना दूंगी, चावल दूंगी और मीठे मीठे फल दूंगी। मैं अभी किसी पक्षी को लेके आती हूँ। कवी वहाँ से उड़ती है। कवी बहुत दुष्ट थी, वो चील से भोजन लेने के लिए कुछ भी कर सकती थी। चिड़िया को आते हुए देखकर गोरी कवी उसे रोक लेती है और उससे कहती है, चिड़िया, ऐसी बारिश में तुम कहाँ जा रही हो? गोरी, मैं अपनी बेटी के लिए भोजन लेने जा रही हूँ, तो मेरे साथ आओ। पुराने गुफा में भोजन है, आधा मैं ले लूँगी, आधा तुम ले लेना। गोरी चिड़िया से झूठ बोलती है। चिड़िया भी गोरी के बातों में आ जाती है। वो गोरी कवि के साथ चली जाती है। रुको चिड़िया, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें अभी भोजन देती हूँ। फिर गोरी ऊंची आवाज में कहती है, अपना भोजन लो, मेरा भोजन दे जाओ, मैं आ गई। गोरी बहन, आप किसको बुला रही हैं? कुछ नहीं चिड़िया, वो तो मैं मजाक कर रही थी। पीछे से चील आकर मम्मा चिड़िया को पकड़ लेती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, दुष्ट कवि, धोखा किया है तुमने मेरे साथ, धोखा किया है। ऐसी बारिश में मुझे भी तो जिंदा रहना है, मुझे दाना लेना है और मुझे भी तो मांस खाना है ना। मेरी बेटी भूखी है, मैं अपनी बेटी के लिए भोजन लेने आई थी। तुम चिंता ना करो अपनी बेटी की, मैं उसे बातों में फंसा कर कल अपनी चील दीदी का भोजन बना दूंगी। फिर चील चिड़िया को लेकर गुफा के अंदर चली जाती है और गोरी कवि अपना भोजन लेकर वहाँ से चली जाती है। चील दी, मुझे ना खाए, मेरी छोटी बच्ची है, वो भोजन बिना और मेरे बिना मर जाएगी। क्या करूँ चिड़िया, ये पापी पेट कल से खाली है। मैं छोटी चिड़िया हूँ, मुझ में आपको क्या मांस मिलेगा? मेरे घर में दो मोटी ताजी मुर्गियाँ हैं, मैं आपको वो दे सकती हूँ खाने में। मुर्गियों का नाम सुनकर चील थोड़ा खुश होती है। अच्छा, वो मोटी मुर्गियाँ हैं क्या? वो मुर्गियाँ बहुत मोटी हैं और साथ में मैं उनके अंडे भी आपको दे दूंगी, वो अंडे आप पी लेना चील दी। तो ठीक है, तुम चलो मेरे साथ, अभी चलो, वो दोनों मोटी मुर्गियाँ और अंडे मुझे दे दो। अगर कोई चलाकी की तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटी को भी खा जाऊंगी। फिर चिड़िया चील को साथ लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है। जंगल वीरान था, सभी पक्षी अपने अपने घरों में थे। ऐसे मौसम में कोई मजबूर पक्षी ही अपने घर से निकला था। कौन है?
दरवाजा खोलो। जल्दी आप यहीं रहें, मैं अंदर से दो मुर्गियां और उसके अंडे लेके आती हूँ। आपको देखकर मेरी बेटी डर जाएगी। जल्दी आना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। गुड़िया दरवाजा खोल देती है और मम्मा चिड़िया घर में चली जाती है। गुड़िया बेटी जल्दी चलो, जल्दी हमें यहाँ से भागना होगा। मगर मम्मा। चुप, धीरे बोलो बेटी, खिड़की के रास्ते जल्दी से बाहर निकलो और जल्दी भागो, बाहर चील है। फिर वो दोनों माँ बेटी खिड़की के रास्ते अपने घर से निकलकर भागती हैं। मम्मा चिड़िया ने आज पहली बार अपनी बेटी को बारिशों में उड़ते हुए देखा था। वो खुश थी क्योंकि उसकी बेटी तेज बारिशों में भी बहुत अच्छे से उड़ रही थी। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद जब चिड़िया घर से बाहर नहीं आती है तो चील घर के अंदर चली जाती है। किसी को घर में ना देखकर चील गुस्से में आ जाती है। वो छोटी चिड़िया मुझे चूना लगाकर भाग गई, अब मुझे भूखे ही रहना होगा। वो भूखी चील चिड़िया के घर से निकलती है। चिड़िया और उसकी बेटी बहुत दूर उड़ के चली गई थी। वो दूसरे जंगल भाग जाती हैं। भूखी चील गुस्से में अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी उसकी नज़र एक घर के तरफ जाती है जहाँ से धुआं उठ रही थी। अब तो कोई और शिकार ही ढूंढना होगा, अब मैं कहाँ जाऊँ। वो सामने घर से धुआं निकल रहा है, वहीं जाती हूँ। फिर चील उसी घर के तरफ चली जाती है। कौन कौन है बोलो भी। कोई बारिश में आसरा लेने आया होगा। मैं बूढ़ी कबूतरी हूँ, मैं लड्डू देने आई हूँ। ये लड्डू बारिश में खराब हो जाएंगे, आप जो भी हो ये लड्डू मुझसे ले लो। गोरी जल्दी दरवाजा खोलो और बूढ़ी कबूतरी से लड्डू ले आओ। गोरी दरवाजा खोल देती है और चील को वहाँ देखकर हैरान हो जाती है। चील दी, आप यहाँ कैसे? अंदर तो आने दो, सब बताती हूँ। चील गोरी कवि के घर के अंदर चली जाती है। गोरी वो छोटी चिड़िया तो भाग गई, मुझे उल्लू बनाकर भाग गई। अब पेट तो भरना है ना, चाहे कौवे खाकर ही भरना पड़े। क्या ये क्या कह रही है चील दी? मेरा आपसे बहुत ही पुराना संबंध है, मैं सहेली हूँ आपकी। ऐसी बारिश में कोई सहेली नहीं। ऐसा कहते हुए चील गोरी को मार देती है और खाने लगती है। कालू कौवा भागकर अपना जान बचाता है। ऐसे गोरी कवि को सजा मिलती है। और दूसरे तरफ चिड़िया मिट्टू के घर में गरम गरम चाय पकौड़े खा रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है उसमें वही गिर जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।